गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मैं लाइन में हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली सुबह 4 बजे से ही लाइन में हूँ और ऑलमोस्ट जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा है कि 8 बजे तक जो है वो दर्शन कंप्लीट हो जाएगी मेरी। मैं आपको लाइन दिखाता हूँ एक बार कि कितनी लंबी लाइन है, मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ से तो मंदिर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये देखो गाइस, मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ आपको मंदिर। ये जो आपको दिख रहा है ये, और ऊपर देखिए ये हिमालयन रेंज, और फिर आप ये लाइन देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन है। ये चारों तरफ जो है बर्फ से ढका हुआ है, देख सकते हैं। ये जो है इस साइड जो है पुराना रास्ता आपको दिख रहा होगा, जो कि जो लास्ट टाइम जो बाढ़ आई थी उससे बर्बाद हो गया था। और ये सीढ़ियाँ है जो पहले भी थी, एक्चुअली जो पुराना रास्ता था वो भी यहीं आकर के स्टार्ट होता था, सीढ़ियाँ स्टार्ट होती थी। और यहाँ से मंदिर आपको दिख रहा होगा, क्या सीन है आप खुद देख सकते हैं। ये सारे जो है आसपास जो है होटल्स हैं, काफ़ी सही है, लोकेशन भी सही है, आप देख सकते हैं। सुबह 4 बजे से ही लाइन में हूँ मैं और 8 बजे तक दर्शन हो जाएगी। मैं जैसे जैसे नज़दीक जाता रहूँगा आपको और भी नज़दीक से मंदिर दिखाता रहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय गुरु माँ दोस्तों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम 2.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, और अभी ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे 3 घंटे और लगना पड़ेगा हमें लाइन में। अभी हार्डली हमने 100 से 150 मीटर कवर किया है लाइन में, और 100 से 150 मीटर और बाकी है। सीन ये है कि कई लोग बीच में घूम जा रहे हैं लाइन के, जिस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ से मंदिर जो है वो साफ दिखता है, पहाड़ जो है बर्फ से ढके हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए सामने जो है वो मंदिर है, और पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ी। ये सुबह की जो सनरेज पड़ रही है पहाड़ पे, वो एक अलग ही जो सीन है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये सारा जो लोकेलिटी है, ये सारे होटल्स हैं, यहाँ पे आप आकर के रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो सारा पहाड़ है वो बर्फ से घिरा हुआ है। ये आप सीन देखिए, इस साइड जो है वो सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश जो है, सनलाइट जो है वो आ रही है। आवेजाही माहौल है। मैं लाइन सबको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी लंबा लाइन है, आगे भी और मेरे पीछे भी काफ़ी लंबा लाइन है। कई लोग, सीन ये हो रहा है कि जो बीच में आ जा रहे हैं, जिस वजह से जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेट हो रहा है हमें। 4 बजे से हम लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, 9 से 10 बजे तक हमारी भी नंबर आ जाएगी दर्शन करने की। मैं आगे जाकर के मंदिर के नज़दीक जाकर के भी आपको दिखाऊंगा। फाइनली हम एकदम नज़दीक आ चुके हैं, पीछे का पूरा सीन देख सकते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर
अभी मैं आ चुका हूँ दर्शन करके, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता है। अगर आप वो फील करना चाहते हैं तो आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा, तभी आपको वो फील अंदर से फील होगी। वरना अगर मैं ऐसे मैं बता भी नहीं पाऊँगा यार, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स है मैं भी वो बता भी नहीं पाऊँगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप का। इस ट्रिप का सच में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहेगा मेरे लाइफ में, और वो बस ये है कि मैंने कई बार ये सोचा था कि मैं जाऊँगा, मैंने कई बार अपनी फैमिली से डिस्कस किया था, बट फाइनली मैं यहाँ हूँ, दर्शन कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको चारों तरफ का भीड़ का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये मंदिर है, ये देखो भीड़, आप देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी तो मंदिर खुले हुए दो ही दिन हुए और दूसरा ही दिन है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बट ये समझ लीजिए कि आस्था का महत्व है। लोग यहाँ आ रहे हैं, 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, कुछ घोड़े पे आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग आ रहे हैं वो ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी श्रद्धा होगी सबके मन में। तो ये थी पूरी मेरी केदारनाथ की ट्रिप। आगे अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों अब मेरी यात्रा हो चुकी है समाप्त, अब मैं वापस नीचे लौटने वाला हूँ, वापस अपने घर जाने वाला हूँ। ये टोटल माहौल देख लीजिए आप एक लास्ट बार। अब मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा और वापस अपने घर जाऊँगा। उसके आगे क्या होगा, क्योंकि डूज एंड डोंट्स की वीडियोज़ हैं, आपको यहाँ आने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।